बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, चैप्टर 9 में कल हमने टकमेंट्स के एनालिसिस पे अपने लेक्चर को पॉज किया था और वहीं पे हमने रोका था। आज चैप्टर 9 कवर करना है, तकरीबन 45 से 60 मिनट्स में इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। और कीजिएगा बातों पे, सारी बातें मैं आपके सामने करना शुरू करता हूँ वन बाय वन। पहली बात तो ये कि चैप्टर 9 में दो बातें आपने पढ़ ली थी। एक बात जो चैप्टर 9 में आप पढ़ चुके हैं उसका नाम है जी टीम रोल्स। ऐसे ही दोस्तों, वो टीम रोल्स किसके थे याद है कुछ? वो टीम रोल्स थे, थ्योरिस्ट का नाम बताएं प्लीज जल्दी से। बेलबिन। बेलबिन ने टोटल कितने रोल्स दिए थे और 9 को किस तरीके से कैटेगराइज किया था? जबरदस्त। उसके बाद दूसरी चीज हमने कल क्या पढ़ी थी? ये मॉडल किसका था बताएं, थ्योरिस्ट का नाम बताएं, स्टेजेस बताएं कितने थे? 5। नाम बताना शुरू करें, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग या मॉर्निंग। ये 5 बातों के बाद आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं और उस जगह से शुरू करते हैं जहां पे कल पॉज किया था, यानी कि हमने टकमैन का मॉडल तो पढ़ लिया था कि टकमैन भाई कहते क्या है, लेकिन टकमैन ने अपने मॉडल की कुछ सिग्निफिकेंस भी बताई होगी कि भाई ये मेरे मॉडल की सिग्निफिकेंस है, इसमें ये बातें हैं, फला है। तो टकमैन की मॉडल की सिग्निफिकेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम मूव करते हैं कि अगर टकमैन का एनालिसिस यानी टकमैन के मॉडल का एनालिसिस किया जाए तो उसके फायदे क्या है, यानी इन अदर वर्ड्स इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अभी हम ये पढ़ने जाएंगे टकमैन के मॉडल की सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब है कि वैल्यू ऐड कैसे करेगा कौन, टकमैन का मॉडल। तो टकमैन का मॉडल कैसे वैल्यू ऐड करेगा इंशाल्लाह अब हम इसको देखते हैं। इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, मुश्किल नहीं है, ये आसान सी बात है कि जब आपने देखा, आपने यकीनन आई बिलीव के बुक से रीडिंग कर ली होगी और जो रीडिंग करवाने मतलब जो बुक के अंदर टकमैन की बातें लिखी हुई है वो एक नजर देख ली होंगी। नहीं देखी तो आज देख लीजिएगा, बिकॉज आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके पास ये हो गया, एटलीस्ट आप रीडिंग कर चुके हो। टकमैन के 5 स्टेजेस खत्म होते हैं, उसके बाद एक हेडिंग आती है, हेडिंग 3.2। सही है। और 3.2 आपकी स्टडी टेक्स्ट में, देखिए स्टडी टेक्स्ट से तो रीडिंग करनी ही करनी है, तो स्टडी टेक्स्ट से 3.2 आपने देखा, उस 3.2 में 3 बातें मिलेंगी, 3 बातें, 3 things, वो 3 बातें हम याद रखेंगे। पहले तो एक बात हम स्टार्टिंग में कर लें, वो ये कर लेते हैं कि नॉट ऑल टीम्स विल गो लाइक दिस। ऐसा हर टीम में नहीं होगा। क्या नहीं होगा सर? हर टीम 1 पे आए, फिर 2 पे आए, फिर 3 पे आए, फिर 4 पे आए, फिर 5 पे आए, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। पहली बात। दूसरी बात, जब हर टीम इस प्रोसेस से नहीं गुजरेगी तो एक चांस और है कि जरूरी नहीं है हर टीम परफॉर्मेंस तक भी पहुंच पाए। तो ये भी कह सकता हूं, नॉट एवरी टीम कैन परफॉर्म। सही है। और फिर मैं ये भी कह सकता हूं, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट विल नॉट
बी सेम। स्पीड ऑफ डेवलपमेंट सेम नहीं होगी हर टीम की, ये भी जानते हैं हम, बात ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक, फिर हमारी बुक ये कहती है, स्टडी टेक्स ये कहती है कि जो हमारा एजेंडा है कि सिग्निफिकेंस टकमेन के मॉडल की है। ठीक है, जो टकमेन ने ये सारी बातें करी हैं, पांच स्टेजेस, लेकिन ये कहते हैं सिग्निफिकेंस जो है ना ये स्मॉल टीम्स के लिए है। रिपीट करो मेरे साथ, किसके लिए दोस्तों? बोले स्मॉल टीम्स के लिए, उनको बहुत हेल्प करेगा। ठीक, अगली बात, नेक्स्ट बात दोस्तों ये है कि टेक्मेन का मॉडल एक्चुअली ये कहता है, यानी इसकी सिग्निफिकेंस छोटी कंपनियों के लिए इस तरीके से है कि इसमें तीन बातें हैं। एक ये कि इसके अंदर सब्र की जरूरत पड़ती है, ये वजह कि इसके अंदर सब्र की जरूरत पड़ती है, दूसरी वजह यानी टाइम लगता है ना डेवलप होने में, तो सब्र करना पड़ता है। दूसरी चीज इसके अंदर होती है कि इससे फायदा ये होता है कि जब टीम प्रोग्रेस नहीं कर रही वो पता चल जाता है, शॉर्ट स्मॉल टीम है ये पिक हो जाता है कि भाई टीम का प्रोग्रेस नहीं कर रही, यानी व्हाट्स रॉन्ग पकड़ने में आसानी होती है। और तीसरी बात, पांचों स्टेजेस पे डेफिनेटली हर तरह का एक स्टाइल तो हर जगह नहीं चलेगा, तो कौन सा स्टाइल कहाँ सूट करेगा, ये सब चीजें इस टेक्मेन के एनालिसिस से आसान हो जाती हैं। गौर फरमाए, देखिए मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि टीम को डेवलप होने में टाइम लगता है। सर ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन अपनी सही रखें। नंबर टू यही ना, इट टेक्स टाइम, इन अदर वर्ड्स पेशेंस। नंबर टू ये लिखते रहिएगा, नंबर टू ये कि टीम जब प्रोग्रेस नहीं करेगी, जब टीम प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी तो उस वक्त क्या करना है, कैसे डील करना है। हेल्प करेगा टकमेन का मॉडल। तीसरी बात, कौन सा स्टाइल ऑफ डीलिंग देम, ऑफ मैनेजिंग देम, ऑफ लीडिंग देम वुड सूट। मैं इसको बहुत ही सिंपलीफाई करके सामने रखता हूं। अब देखें, एक बात हो गई पेशेंस, एक बात हो गई व्हाट्स रॉन्ग, एक बात हो गई व्हाट। तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। एक बात क्या हुई दोस्तों? व्हाट। एक वो व्हाट्स रॉन्ग पता चल जाएगा। तीसरी बात, पेशेंस, सबर से काम चलेगा, सबर के बगैर काम नहीं चलेगा। दोस्तों इतनी बात डन है, कोई मुश्किल तो नहीं है? कंफर्म करें मुझे। दोस्तों प्लीज चैट बॉक्स पे आए, कंफर्म करें प्लीज। रिपीट कर दूं? कौन सी वाली बात रिपीट करूं? लास्ट वाली बात। अच्छा देखें, इस मॉडल का छोटी कंपनीज को फायदा होगा। किस मॉडल का? इसी मॉडल का, यानी टेकमेन के एनालिसिस का। सर क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि छोटी टीम्स, आई एम सॉरी, छोटी टीम्स को फायदा ये होगा कि छोटी टीम की डेवलपमेंट को आप अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इजीली मैनेज कर पाएंगे।
आपको पता है कि भाई टाइम लगेगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर होगी तो आप बहुत जल्दी ना गुस्से में आएंगे ना आप डिमोटिवेटेड होंगे। नंबर टू, एक बात तो टाइम लगेगा, दूसरी बात जब टीम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही होगी, कहीं टीम स्टक हो जाएगी, किसी स्टेज से आगे नहीं जा रहे होंगे, तब भी ये पता होगा कि जी पता चल जाएगा यार ये इधर फंसे हुए हैं, नॉर्मिंग में फंस गए हैं, इस जगह फंस गए हैं। दो बातें। तीसरी बात दोस्तों ये है कि स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आएगा, क्या स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है दोस्तों मतलब ये है कि हर स्टेज पे डील कैसे करना है। तो जब स्टेज चेंज हो रहा होगा आपको लगेगा नहीं अब इनकी अब इन कॉन्फ्लिक्ट कम हो गए हैं, अब ये मिलके चलते हैं, अब इनके डिस्प्यूट कम है, एज यू विल आइडेंटिफाई एंड रियलाइज कि यार ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मेरी बातें क्लियर है यहाँ तक? देन अगली बात, वैल्यू ऑफ टकमैन के बाद दोस्तों एक थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको जरा समझना है आपने। मैं अभी इस बात को आपके लिए आसान करके समझाता हूँ और बहुत सिंपल हो जाएगी ये बात, मुश्किल नहीं रहेगी। दोस्तों हेडिंग डालें, ग्रुप बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, जल्दी से हेडिंग प्लेस करें, ये साथ साथ लिखना सबसे बेस्ट रहता है। बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, साथ है सब। बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन क्या कहती है इसको समझते हैं। बैलेंस थ्योरी का ये कहना होता है कि देखें आपके कोई बेस्ट बडीज हैं, डेफिनेटली सर बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यस सर, तो इंसान की उनसे दोस्ती होती है, गपशप होती है। बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन क्या करती है, वो ये करती है कि आपको एक बात समझाती है कि देखें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ग्रुप्स बना करते हैं या टीम्स बना करती हैं तो उसमें लोग होते हैं। एक्चुअली मैं स्क्रीन पे लिखता हूं आप देखिएगा, देखिए फोकस कीजिएगा जी दोस्तों, आप एक टूर पे थे, स्टोरी समझिएगा, और इट कैन बी अ पाकिस्तान टूर, इट कैन बी एन उमरा टूर, एंड इट कैन बी अ हज टूर, सही। और एनीवे आपने फॉर एग्जांपल टर्की का टूर किया, मेरा एक सवाल है, आप जरा एक्टिव हो जाएं चैट पे क्योंकि ये समझ में ऐसे ही आएगा। अब बस ये आखिरी टेक्निकल चीज है इस चैप्टर की, इसके अलावा आप देखेंगे 10-15 मिनट में आप याद भी कर लेंगे, यानी घर पे आराम से सुकून से, और वो कवर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। असल ये चैप्टर इधर तक आगे फंसता है, एक ग्रुप डायनेमिक्स थोड़ा सा समझने की चीज है, वो आगे, उसके अलावा वर्क टीम्स क्या है, इफेक्टिव टीम्स क्या है, इनइफेक्टिव टीम्स क्या है, वो है इतना आसान कि आपको मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह। अब जरा स्क्रीन देखें प्लीज, कितने लोगों ने इसमें से कोई टूर किया हुआ है जरा बताएं, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं। चले जी माशाल्लाह, इंशाल्लाह यार जिनका नहीं आया कोई, मैं अभी नहीं कुछ अच्छे बात चले जाएंगे अच्छे।
जी उमरा और टर्की गए हुए आप? अच्छा जी, ओसामा पाकिस्तान टूर गए हुए, अलिशबा पाकिस्तान टूर, अच्छा उमरा, नो सर नथिंग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ एग्जाम्पल समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, अभी आप देखिएगा इंशाल्लाह, आसानी से एग्जाम्पल समझ में आएगी। ऐसा होता है कि हम कराची से तैयारी पकड़ते हैं और हमारे साथ लेट से एक हज ग्रुप होता है, बहुत सिंपल। अब हज ग्रुप की जगह आप इसे उमरा ग्रुप भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सीजन हज का आ गया है ना, तो हज की एग्जाम्पल ज्यादा सूट करेगी। अब आप बैठते हैं तो प्लेन में, लेट से आप जिस हज ग्रुप के साथ जा रहे होते हैं, देयर 60 पीपल प्लस 8 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, दिस मेक्स 68 इन वन फ्लाइट ऑफ अ वन पर्टिकुलर हज ग्रुप। फिर क्या होता है जरा सुनिएगा, आपकी फ्लाइट लैंड कर जाती है, आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं और डेफिनेटली भी आपने फैमिली को सेटल करना होता है, उम्र अदा करना होता है, यू आर हेडिंग टू मक्का, तो जिद्दा से आप मक्का चले गए, आपने उम्र अदा कर लिया। समझने वाली बात आएगी कि कुछ वक्त में ये होता है दोस्तों, कुछ वक्त में कि आपको फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन चाहिए होती है और पैनाडोल का जो आपने पूरा स्क्रिप्ट का डब्बा रखा था आपका फर्स्ट एड बॉक्स के साथ, वो आपको मिलता नहीं है। आप कहते हैं यार मैं तो भूल गया। जिस होटल में आप स्टे करते हैं तो उस होटल के अंदर आपको फर्स्ट एड बॉक्स भी मिल जाता है, पैनाडोल भी मिल जाती है, लेकिन वो पैनाडोल जो पैनाडोल के नाम से ही होती है, पैरासिटामोल का फॉर्मूला है, लेकिन पैनाडोल के नाम से वो नहीं मिलती। आप क्या करते हैं, ये 60 में से कोई आपको एक जो है ना वहाँ पे लाउंज में नजर आता है, आप देखते हैं हाँ ये फ्लाइट में भी थे, आपकी उससे गपशप होती है, सलाम दुआ होती है, आप बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद आपका एक ताल्लुक डेवलप हो जाता है और एक फैमिलियरिटी आपके अंदर और उनके बीच में क्रिएट हो जाती है, आप उनसे पैनाडोल भी ले लेते हैं। फिर क्या होता है कि फिर जब फैमिलीज लंच और डिनर के लिए डाइनिंग एरिया में जमा होती हैं, जो होटल की जगह होती है, तो वहां पर अब आपकी उनसे सलाम दुआ होती है, फिर आप देखते हैं कि ये एक पूरा ग्रुप आया है, इनकी भी फैमिली है। इवेंचुअली जब 40 डेज 30 डेज के हज के बाद आप वापस आते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपकी जिंदगी में 5 नए लोग ऐड हो गए हैं जो दोस्त रहेंगे। ये 5 लोग ऐड हुए हैं ना, प्लस हुए हैं, इन पे जब आप गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार अरे ये तो वो लोग हैं जिनके साथ मेरी हज पे दोस्ती हुई है। थे तो 60 लोग, लेकिन आउट ऑफ दिस 60 5 ऐसे हो गए हैं जिस पूरे ग्रुप से आपकी दोस्ती हो गई है। ये 5 कौन थे, जिनके लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत गौर से सुनिएगा, वर सेम। सेम बहुत एग्जैक्ट हो जाता है इसलिए वर्ड यूज करना चाहिए सिमिलर टू माइन, मेक्स एंड डिसलाइक्स और उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत सिमिलर थे। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा बात पूरी, फिर मैं इसकी पाकिस्तान टूर पर भी एग्जाम्पल रखूंगा और ये इंशाल्लाह लाइफ टाइम याद रहेगा। ये देखिएगा भाई बात जरा, कि होता क्या है कि लाइक्स डिसलाइक्स सेम सेम कैसे। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन मक्का एंड आपको ज्यारतों पे जाना था कि यार जो गोल्डन प्लेसेस हैं उन जगहों पे विजिट करना था, फॉर एग्जाम्पल गारे हिरा देखना था वगैरह। अब आप बैठ के ऐसी बात छेड़ते हैं कि यार चलना चाहिए, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे मर्द रात, लेकिन मुझे 5 आपके साथ तैयार हुए कि यार हम चलेंगे। इसी तरह जितनी जगह एडवेंचर का मौका मिला, ये ट्राई करते हैं, ये एक्सप्लोर करते हैं, उधर जाके देखते हैं, इसकी जगह के बारे में मालूम करते हैं, चाहे मक्का मुकरमा हो, मदीना तैयबा हो, कोई भी जगह,
ये पांच आपके साथ साथ थे, आप लोगों ने साथ चार में खाए, साथ अफ्तार किया, साथ सब कुछ किया, जब आप अलबैक खाते थे साथ, बिल्कुल ये करते 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 आप लोगों ने आज पे, वैसे तो जाने का मकसद कुछ और है, लेकिन फिर भी आपने कहा चले यार मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट यहाँ से ले लेता हूँ जो एक यादगार रहेगा, तो आपको मौका मिला, आपने थोड़ा टाइम निकाला तो गिफ्ट लेने गए अपने रिलेटिव्स के लिए, फैमिली के लिए, वो भी आप लोगों ने सेम परचेज किया। इट मींस आप लोग लाइक शेयर करते हैं, और जैसे लाइक्स को शेयर करने पे दोस्ती हो जाती है ना, इसी तरह दोस्तों डिसलाइक शेयर करने पे भी दोस्ती हो जाती है, समझिएगा। पाकिस्तान टूर पे है, और पाकिस्तान टूर पे ऐसा होता है कि चेयरलिफ्ट, कोई बैठा है चेयरलिफ्ट पे आप लोगों में से? तो चेयरलिफ्ट लोगों को रिस्की लगती है, सही। अब लेट से मैं कहता हूँ भाई चेयरलिफ्ट पे चले, हम 12 स्टूडेंट्स होते हैं और 2 टीचर्स होते हैं, हम पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं, ठीक है, तो चलो यार 14-15 दिन घूम के आते हैं। मैं कहता हूँ यार यस लेट्स गो फॉर चेयरलिफ्ट, अब होता क्या है, उसामा मैं पढ़ रहा हूँ तुम्हारे कमेंट्स। ये 12 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स में से, टीचर्स 2 एक जगह और 7 स्टूडेंट्स एक जगह, 9 लोग हो गए, और बाकी 5 लोग जो है ना वो ये बोलते हैं कि नहीं 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 टू रिस्की। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है, मतलब हम इस्लामाबाद लैंड करते हैं और डायरेक्ट न्यू मरी जाते हैं और पटियाला और ये सब। अब अभी हम पहुंचते ही हैं कि हम ग्रुप्स में तकसीम हो जाते हैं, एक तरफ 5 लोग हो गए, एक तरफ 9 लोग हो गए, हैं तो हम एक टीम। लेकिन याद रखें इस टीम होने के बावजूद अब हमारे अंदर सब टीम्स बन गई, ये 5 पूरे पाकिस्तान टूर पे जहां जहां रिस्की काम होगा ना, ये 5 बोलेंगे क्या नो, और ये जो निकलेंगे घर से इस नियत से है कि भाई अब कुछ नया करना है, वो हर चीज को बोलेंगे यस, स्विमिंग हो, नहर में नहाना हो, फला चीज हो, कोई कोई राइड करना हो, हाइकिंग करनी हो, कुछ भी हो, ये तैयार रहेंगे। तो अब आते हैं पे, और अब बताता हूं आपको ग्रुप थ्योरी, बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। आए बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन कहते हैं कि ग्रुप्स बन जाते हैं सिमिलर एटीट्यूड्स, वैल्यूज, किसी चीज के बारे में, वर्क, मैरिज, लाइफस्टाइल, पॉलिटिक्स, रिलीजन, अथॉरिटी, इसकी बेसिस पे लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं वो पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और जो उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है वो उसको सपोर्ट करना, उससे दोस्ती उनको पसंद होती है कि यार हाँ ये मेरा बंदा है, ये मेरे मतलब का है। तो पीपल सिमिलर एटीट्यूड्स एंड सिमिलर वैल्यूज की वजह से एक सोच बना लेते हैं, क्या क्या, किस बारे में, वर्क के बारे में, मैरिज के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, रिलीजन के बारे में, अथॉरिटी के बारे में। तो उनकी अच्छी बात दोस्ती बनती है, उनका माहौल अच्छा बन जाता है, वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इतनी बात क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? मुश्किल तो नहीं है? अब यहाँ समझिएगा प्लीज, और बात थोड़ी सी बात है, अहम है, और से देखिएगा। जिस तरह हमें कुछ चीजें पसंद होती है ना, तो हम आपस में दोस्त बन गए, लाइक सेम हो गए। इसी तरह समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सिमिलर डिसलाइक्स होते हैं, यानी फला पॉलिटिशियन को गाली जब दी जाती है ना और बुरा कहा जाता है, तो हम सब एक हो जाते हैं एक ग्रुप की शक्ल में, अबे वो साले तो चोर थे, वो ऐसे थे, वो फला थे। तो एट दैट टाइम होता ये है कि लोग ये फील करते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इस टाइम बुहारे सही गए, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं,
कि आपकी जिनसे भी दोस्ती, जस्ट मुझे अब एग्जाम्पल्स चाहिए होंगी, आपकी जिनसे भी जो क्लोज फ्रेंड्स है, मैं कहता हूँ क्लोज फ्रेंड्स ना मुश्किल से पांच होते हैं जिंदगी में, तो चार पांच आपके लेट से क्लोज फ्रेंड्स है, मैं आप सवाल ये करता हूँ, सिमिलर लाइक्स बताएं जिस वजह से आप पे ग्रुप बना हुआ है, कि आपकी लाइक सिमिलर है यार, इन बातों में हम सेम है, जल्दी बताओ। अगली बात मैं करूंगा सिमिलर डिसलाइक्स, सर उसको भी ये चीज जहर लगती है, मुझे भी जहर लगती है, लिहाजा हम एक दूसरे को इस वजह से सिमिलर एटीट्यूड से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, फास्ट फूड, क्रिकेट, सिमिलर ओपिनियंस, स्मोकिंग, ओहो तो फूड, सर मेरा दोस्त जो है ना वो मेरी तरह बहुत हाइजेनिक फूड की टेंशन नहीं लेता, वो बोलता है ढाबे का खाना खाएंगे, ढाबे। सर मेरे वो लोग दोस्त नहीं है, क्यों दोस्त नहीं है भाई, सर वो इतना ऑयली पराठा खाते हैं, तो सर मेरे वो दोस्त नहीं है, सिमिलर लाइक्स नहीं है, इस वजह से दोस्त नहीं है। सर उसको भी सीए पसंद है, उसने भी सीए शुरू कर रखा है, सर मैंने भी सीए शुरू कर रखा है, तो दोनों ने ये चैलेंज लिया है, इस वजह से हमारी दोस्ती अच्छी है। अब आओ सर उसको भी ये नहीं पसंद, मुझे भी ये नहीं पसंद, तभी हम दोस्त हैं। आओ अब आओ डिसलाइक्स पे जल्दी से, दोस्तों आए डिसलाइक्स, सर मुझे स्मोकिंग चिढ़ नहीं, स्मोकिंग चिढ़ है, आप कूल नहीं लगते, यू आर नॉट कूल यू आर फूल जब आप स्मोकिंग करते हैं, ये सोच है ठीक। पॉलिटिक्स, उसको भी फला फला हुक्मरान मिस्टर एबीसी बहुत जहर लगते हैं, मुझे भी जहर लगते हैं। नेक्स्ट बात बताए ना, और कोई सिमिलर डिसलाइक्स, एग्जाम्पल बताए, जनरल नाम ना बताए, एग्जाम्पल। सर हम दोनों को सर पढ़ना पसंद नहीं है। सीजन से नफरत है, दमश्को तो सीजन पसंद नहीं है, इस वजह से सर दोनों को आई कैन जहर लगता है, अल्लाह खैर करे। ठीक है जी, सही है, अब आपको समझ में आ गया। अच्छा कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है कि डिफरेंस डिफरेंस आ जाता है, जब इतने गहरे दोस्तों में डिफरेंस आता है तो दो रास्ते होते हैं, या तो इंसान अपने आप को समझा ले कि यार मैं चेंज हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, अपने आप को परसू कर ले चेंज करने के लिए, दूसरी तरफ मैं खुद तो चेंज नहीं हो रहा, मैं दूसरे को परसुएट करूंगा यार तुम्हें क्या हो गया। तो ऐसा होता है कि जब आपके और उनके बीच में बैलेंस खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं, या तो अपने आप को परसुएट करके उनकी सोच पे चले जाते हैं या उनको परसुएट करके अपनी सोच पे ले आते हैं। ये इस तरीके से बैलेंस मेंटेन होता है ग्रुप के अंदर, लाइक्स भी शेयर की जाती हैं, डिसलाइक्स भी शेयर की जाती हैं। दोस्तों क्लियर हो गई बात, अब आए अब मैं बताता हूँ हमने चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा है अभी तक। देखिए दोस्तों चैप्टर 9 असल में ना चार बातों में नाम है, बताओ क्या, चार बातें हैं क्या, मैं आपको भी समझाता हूँ, जरा गौर से देखें। एक तो ये इंट्रोडक्शन है, वर्क ग्रुप्स क्या होते हैं, टीम्स क्या होती हैं, टीम वर्क क्या होता है, इजी एरिया है, लर्न जरूर करना है, बहुत इजी है, आप आज बैठे और मैं कहूंगा 15 मिनट्स में ये लर्निंग हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं चैप्टर की अब समरी की तरफ जा रहा हूँ और फिर रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। टीम रोल्स वेरी इंपॉर्टेंट,
और लर्न करना है, इनको लर्न करके लिखिएगा, ये हो सकता है आपसे 45 मिनट्स ले लें। टीम फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, टीम फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, दोस्तों टीम फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर टकमेन का मॉडल था, तो फॉर्म कैसे करते हैं, डेवलप कैसे करते हैं, और जो भी पढ़ा हमने वो सब इसके अंदर आएगा। ये एरिया कितनी देर में हो सकता है? आई बिलीव आप 30 मिनट्स में इसको वाइंड अप कर सकते हैं। आपके बन गए कितने मिनट्स? 1 hour and 30 minutes। इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव टीम्स, दोस्तों इसके ऊपर मैं कहूंगा 15 मिनट्स वुड बी इनफ। अगर आप इन सब के अंदर 15 मिनट और शामिल कर लें सेफ साइड, 15 मिनट्स, क्योंकि आपके कभी सेलफोन तंग करता है, कभी आपको कुछ और याद आती है, कभी चाय याद आती है, 15 मिनट्स और ऐड कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि आप रीजनेबली कितने आवर्स में, 2 आवर्स में ही चैप्टर को आज लॉक कर सकेंगे। और मैं ये कहूँगा कि साथ साथ कर लें, चाहे कुछ चीज़ें कच्ची भी रह जाएं, कुछ चीज़ें उतनी सॉलिड ना हो, लेकिन इतना भी याद हो गया ना तो आपके ग्रिप में आ जाएगा एरिया। अब जरा कुछ बातें और सुनिएगा, क्या बातें हैं देखें। लास्ट थिंग फॉर द डे कौन सी? ये और ये, दो बातें, ठीक है। इन दो हेडिंग्स को मैं चैप्टर की पीडीएफ जरूर दे देता हूँ, मुझे अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। जैसे लास्ट चैप्टर की, चैप्टर 8 की मैंने दे दी थी ना पीडीएफ, चैप्टर 10 की दे दी थी, 8 की दे दी थी। मुझे बता दें क्या चीजें देनी है, मैं भी नोट कर लेता हूँ। बताएं, चैप्टर नंबर 9 के अंदर सेक्शन नंबर 2 हमने सबसे पहले पढ़ा, टीम रोल्स बुक के अंदर 2.1 हेडिंग है। 2.1 हेडिंग के अंदर बेल्बिन के 9 टीम रोल्स हैं। 9 टीम रोल्स के अलावा मैनेजिंग अ टीम की एक हेडिंग है, ये सब रीड करना है इसके अंदर, सिवाय टेबल के, टेबल याद कर लें बेहतरीन हो जाएगा। फिर इसके बाद आ रहा है सेक्शन 3। दोस्तों सेक्शन 3 टेकमेन का मॉडल है, इसमें जो 3.1 है वो टेकमेन का मॉडल दिया हुआ है, वो लर्न करना है की पॉइंट्स, चाहे वहां से याद कर लें, चाहे मेरे नोट से पॉइंटर्स याद कर लें, लेकिन बुक से रीडिंग जरूरी है। बुक रीडिंग वंस, स्टडी टेक्स की वंस रीडिंग कंपलसरी है, कुछ भी हो। उसके बाद 3.2 है वैल्यू ऑफ टेकमेन एनालिसिस, वैल्यू ऑफ टेकमेन एनालिसिस, तो इसको दोस्तों लर्न करना है, और वो लर्न मैं ऑलरेडी करा चुका, 3 बातें थी, याद आ रहा है? आज ही की बात है लेक्चर के शुरू की। नई टीम बनने में टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए, जहां टीम प्रोग्रेस नहीं कर रही होगी वो जगह पता चल जाएगी, और किस स्टाइल, कौन सा स्टाइल बेस्ट सूटेड है किस वक्त, ये फायदा मिलेगा, याद आ गया दोस्तों को। इसके बाद दोस्तों ये सेक्शन 3 कंप्लीट होता है, इसमें आखिरी में एक 3.3 की हेडिंग है जो भी पढ़ी, बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। बैलेंस थ्योरी जैसे आपको बताई थी आपने, बस जो बताई है वो याद रखनी है, और कॉन्सेप्ट बैलेंस थ्योरी का याद रखना है। इसके आखिरी में एक छोटी सी हेडिंग दी हुई होगी जिसके अंदर 3 लाइंस लिखी हुई है,
बैलेंस थ्योरी एंड टकमेन, ये जो बैलेंस थ्योरी एंड टकमेन दिया हुआ है खाली रीड करना है, क्या रहा है दोस्तों? चले, दो सेक्शन हो गए और बाकी दो सेक्शन का मैंने कहा था ये छोटे भी हैं और क्विकली कवर हो जाएंगे, इसमें रीडिंग ज्यादा है, मतलब रीड करना है और कुछ देर में इंशाल्लाह आप देखेंगे चीज कवर हो गई। पहली बात दोस्तों जो हमें करनी है इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव के अंदर, टोटल इसके अंदर 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4, चार बातें। 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4, इन चारों के बातें बारे बारे में अभी आपको समझाता हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज अभी अभी कवर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है? मुश्किल नहीं है। आइए मुझे बताएं, इसको पढ़ें, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछें, लेकिन आई बिलीव ये ना याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बस जहन में बिठाना है और कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। जरा जल्दी से पढ़ें और चेक करें सर, सब मुझे जल्दी से बताएं। अब आपको रीडिंग करवानी है मुझे सारी। हाँ भाई बताओ, इज इट डिफिकल्ट कि इफेक्टिव टीम्स कौन सी होंगी और इनइफेक्टिव टीम्स कौन सी होंगी, बताएं दोस्तों? क्लियर है, वक्त बचाएं, बताएं प्लीज दोस्तों, डन है? 4.1 था ये, इसकी हेडिंग है, सॉरी ये 4.1 है। अगली चीज जो दोस्तों आपके पास आएगी वो ये कि जब टीम की परफॉर्मेंस आती है तो टीम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी किया जाता है। मैं आसान तरीके समझाता हूं, एक टीम ने एक सर्टेन टाइम पीरियड तक वर्क किया और उनके बहुत अच्छा वर्क प्रैक्टिस हुई। ये था मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ स्टार्ट हुई थी, यहाँ एंड हो गया प्रोजेक्ट। अब क्या करना है सर? टीम की परफॉर्मेंस को मेजर करने के तीन तरीके, बेसिक तरीके, तीन वेज है, या यूं कह लें कि तीन बेसिस पर टीम की परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। वो क्या है दोस्तों? यकीनन आपने ये ऑलरेडी आपकी नॉलेज वाली चीज है, एक है इकोनॉमी, दूसरा है एफिशिएंसी और तीसरा है दोस्तों इफेक्टिवनेस। एक दो तीन, थ्री ईज के जरिए, थ्री ईज के जरिए टीम की परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होती है। आई रिपीट, टीम्स के जरिए, तीन चीजों के जरिए टीम्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है दोस्तों? मुश्किल तो नहीं की मैंने बात, आसान बात है। अगली बात सुनिए, यहां से आगे बढ़ते हैं। आए, आसान लफ्जों में कहते हैं, हम कहते हैं ना इकोनॉमिकल पैक है ये, यानी सस्ता पड़ रहा है। कॉस्ट कंट्रोल चेक करेंगे इकोनॉमी के अंदर,
इसमें कॉस्ट कंट्रोल चेक होगा, सही। दूसरी बात है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है आउटपुट कितना अच्छा आया एक मेंबर का, एक टीम प्लेयर का ड्यूरिंग द इनपुट ऑफ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स। आसान लफ्जों में एक घंटे में उसने कितना काम किया, एक घंटे में कितने यूनिट्स असेंबल किए, इसको कहते हैं दोस्तों इफेक्टिवनेस। उसकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी क्या रही। तीसरी बात, तीसरी बात है इफेक्टिवनेस। सब कुछ कर लिया, टारगेट्स अचीव हुए या नहीं हुए, बहुत मेहनत करी लेबर ने फला कुछ किया, लेकिन क्या क्वालिटी अच्छी आई, नहीं सर अभी भी रिजेक्शन आ रहा है, इफेक्टिव नहीं। सर लेबर ने बहुत डबल मेहनत करी, डबल शिफ्ट काम किया, सर हमने भी रातें लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह सर अब हमारा जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर है उसमें रिजेक्शन नहीं है, इफेक्टिवनेस दोस्तों इसको कहते हैं। कि गोल्स एंड टारगेट्स किस हद तक अचीव हुए, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग रन हो, चाहे क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो, ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बात दोस्तों, अगली बात दोस्तों ये है कि इसके अंदर यानी कि इकोनॉमी के अंदर, एफिशिएंसी के अंदर, इफेक्टिवनेस के अंदर, ये तीनों चीजें, क्योंकि टीम को एक रिसोर्सेज, एक कंट्रोल्ड गिवन रिसोर्सेज अलॉट की जाती हैं, यानी यूं समझ लें एक बजट दिया जाता होगा कंपनी को कि फॉर एग्जांपल इस बजट में रहकर आपने काम करना है, एक बजटेड अमाउंट है। अब इस अमाउंट में कितना कॉस्ट कंट्रोल किया इसको क्या कहेंगे दोस्तों, बताएं। कितना कितनी कॉस्ट लो रख सके। नंबर टू, रेशो क्या था इनपुट वर्सेस आउटपुट का, यानी इनपुट फॉर एग्जांपल आवर्स और आउटपुट वर्क डन। और तीसरी बात दोस्तों, टारगेट अचीव हुआ, गोल अचीव हुए जो सोचे थे। कुछ बात समझ में आई, मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है दोस्तों, डन है। अगली बात, नेक्स्ट पे आओ, कह रहे हैं टीम की इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। टीम की इफेक्टिवनेस बढ़ाने का तरीका गुड टीम मैनेजमेंट है, वंस अगेन इजी, मैंने कहा था अब सारे पॉइंट्स इजी होंगे। गुड टीम मैनेजमेंट हो सकती है, ऐसे इंडिविजुअल्स जो सारे नेसेसरी रोल्स को फुलफिल करें, ये हो सकता है। कीप द टीम अवेयर ऑफ इट्स टारगेट्स, टीम को उनके टारगेट्स बताए जाएं और टीम अपने टारगेट्स अचीव करे, ठीक है। इसी तरीके दोस्तों एनकरेज openness in communication and full discussion of problems, जो बातें खुल के की जाए और सारे problems को सामने रखा जाए, इससे team effective होती है। फिर team को अपने फैसले लेने की authority देनी चाहिए, इससे भी team के अंदर effectiveness आती है। अगली बात दोस्तों, ग्रुप डायनेमिक्स जिसे कहते हैं। अब आप अपनी अगर स्टडी टेक्स्ट उठाएं और उसमें आप डायनेमिक्स या ग्रुप डायनेमिक्स को ढूंढें
तो आपको ग्रुप डायनेमिक्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये पास पेपर में आया हुआ है। तो ग्रुप डायनेमिक्स कहते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर जो एक माहौल बन जाता है ना, जैसे मैं कहता हूँ क्लासरूम होता है, तो हर टीचर की क्लासरूम का एक माहौल अलग होता है, उनकी बातें अलग होती हैं, गपशप अलग होती है। ग्रुप डायनेमिक्स इसे कहते हैं कि एक ग्रुप के अंदर क्या माहौल है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप है जो हर वक्त पढ़ाई की बातें करता है और उनको बहुत शौक है स्पेस का, तो हर वक्त नासा की बातें करते हैं और कभी जुपिटर की बातें कर रहे होंगे, कभी मार्स की बातें कर रहे होंगे। आप तो उनके करीब से भी नहीं गुजरोगे, बोलोगे यार ये कौन मखलूक है। फिर ग्रुप के और भी मौजू होते हैं, कुछ को गेमिंग का शौक होता है, कुछ को फला शौक होता है। तो जिस तरह दोस्तों ग्रुप्स का एक माहौल होता है, उस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको चैरिटी वर्क का शौक होता है, तो एवरी टाइम दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम फ्रॉम रेजिंग सम फंड्स, डोनेटिंग सम मनी, हेल्पिंग सम पुअर पीपल। दिस इज हाउ दे एक्चुअली इंटर रिलेट विद ईच अदर। वो इसी तरह करते हैं, एक टास्क दूसरे टास्क अपने कामकाज करेंगे, लेकिन साथ साथ ये चल रहा होगा। दो बातें हो गई। अब देखें ग्रुप डायनेमिक्स, ये तो इतना ही था, ठीक है। ग्रुप डायनेमिक्स के बाद ये टॉपिक जो आ रहे हैं ना दोस्तों, ये हमारी बुक के अंदर है, ग्रुप कोहेजन कैसे कहते हैं। ग्रुप कोहेजन, कोहेजन का वर्ड आप जानते हैं, कोहेसिव, चिपक, कितना आपस में यूनिटी है। तो अब पढ़ें, ग्रुप कोहेजन डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड यूनाइटिंग द ग्रुप। कितना कितनी यूनिटी है, जैसे हम कहेंगे, हम ये कहते हैं मिसाल के तौर शिप कोहेजन, हमारे दोस्त के साथ अंडरस्टैंडिंग की कोहेजन है कि वो एक जैसे ही सोचते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों कोहेजन। तो कोहेजन वो बॉन्ड जो आपको यूनाइट करता है। अब जब कोहेजन स्ट्रांग होगी तो ग्रुप स्ट्रांग रहेगा, और जब कोहेजन कम है तो बहुत जल्द ये ग्रुप टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप बना, अब ऑडिट तो साथ करना ही था, मजबूरी थी, 30 दिन वो कर लिया, लेकिन किसी के आपस में बनी नहीं, तो वो टीम भी खत्म हो गई, दोस्तियां भी नहीं हुई, सब अपनी जगह पे। लेकिन सम टाइम क्या होता है, एक क्लाइंट के पास जाते हैं, टीम बन के जाते हैं, वापस आते हैं, चार दोस्त बना के आते हैं, पक्के दोस्त। दोस्तों इसका मतलब है कि अब कोहेजन था आपकी टीम में, तभी आप लोग आज तक दोस्त हो। और ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल सुन होते हैं, सुन, आप जाए काम करें उनके साथ, फिर आप चले भी जाएं, तो जैसे वो थे वो वैसे ही रहेंगे, ना ज्यादा हंसते हैं, ना ज्यादा बात करते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, तो जहन में कहीं बिल्कुल। अगर आपके ग्रुप कोहिजन का बड़ा ताल्लुक आपके सिमिलर लाइक्स और सिमिलर डिसलाइक से भी है, ठीक है, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट, ग्रुप कोहेजन के साथ अब ग्रुप डायनेमिक्स, ये वाली डेफिनेशन ग्रुप डायनेमिक्स की याद करनी है, मैं लिख देता हूँ, ये भी याद करनी है, इससे पहले वाली भी याद करनी है, ये भी लर्न कर लो भाई दोस्तों, लर्न, और एहतियातन ये भी लर्न कर लो। सही है। अगली बात, वो कौन से फैक्टर्स है जिसमें ग्रुप कोहेजन का ताल्लुक, ग्रुप कोहेजन बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे आप बताइएगा, अगर ग्रुप का साइज बड़ा है तो कोहेजन ज्यादा होगी, या साइज कम है तो कोहेजन ज्यादा होगी। यानी ये दो दोस्त हैं, इनकी दोस्ती ज्यादा पक्की होगी, या 10 लोग हैं, इनकी दोस्ती ज्यादा पक्की होगी। दो की तो साइज जितना स्मॉल है उतना अच्छा। अगर ग्रुप ऐसा है कि ग्रुप के अंदर आने जाने पे बैरियर्स हैं, तो अब जो भी ग्रुप पे आएगा ना, उसको पता है मैं इस टीम को छोड़ नहीं सकता, तो जो आएगा वो सोच के आएगा कोहेजन ज्यादा होगी। फिजिकली क्लोज है, लोकेशन वाइज ये भी मैटर करता है, चाहे ताल्लुक कितना अच्छा हो, लेकिन क्लोज लोकेशन में चांसेस कोहेजन के ज्यादा होते हैं। तीसरी बात, हेटरोजीनियस वर्सेस होमोजीनियस, वो एक जैसे हैं या अलग अलग हैं जिनके आपस में
अगर सारे सारे के सारे अकाउंटेंट्स हैं और सबकी आर्टिकल्स EY से है, ये सबकी आर्टिकल्स PwC से, ये होमोजेनियस हो जाएगा। टास्क कोहेजन, काम के मामले में, यानी जो काम करना है, टास्क कोहेजन का दोस्तों मतलब ये होता है कि एक काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए कितना साथ बैठ के काम करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिलकर बैठ के टीम अफेक्ट से काम करना है तो टास्क कोहेजन ज्यादा है। इंडिविजुअलाइज रोल प्ले करना है, टास्क कोहेजन कम है। तो टास्क कोहेजन वहां ज्यादा होगी जहां पे टास्क का जो जो काम है, यानी कि वो ऐसे करना है। अगली बात दोस्तों, लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल कैसे कहते हैं मेरे दोस्तों? लीडरशिप स्टाइल चैप्टर नंबर 8 पूरा पढ़ चुके हैं आप, जानते हैं। पीपल फोकस स्टाइल होगा तो लोग ज्यादा खुश रहेंगे। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के अंदर दोस्तों ये याद रखना है कि अगर ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं तो ग्रुप कोहेजन ज्यादा होगा, लेकिन ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जो किसी को डीमोटिवेट कर रहे हैं, कुछ कुछ तो मोटिवेट हो रहे हैं, बाकी लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ग्रुप कोहेजन कम होगा। सोशल कोहेजन, इसको भी समझें दोस्तों। सोशल कोहिजन किसे कहते हैं वो भी सुनिएगा प्लीज। मतलब किस हद तक दे लाइक ईच अदर, एक दूसरे को जहर तो नहीं लगते? ये तो मुझे जहर लगता है, मजबूरी है, काम कर रहा हूं उसके साथ। दे लाइक ईच अदर और नॉट, क्वेश्चन मार्क। तो अगर वो एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे के बारे में रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छा होगा ग्रुप डायनेमिक्स के लिए। एक डायनेमिक ये बन जाएगा कि भाई वो मिलके काम करते हैं, साथ रहते हैं, दूसरे को पसंद करते हैं, और इवेंचुअली कोहेजन ज्यादा होगी। ग्रुप सक्सेस किसे कहते हैं? ग्रुप सक्सेस कोई समझा सकता है? चलो आओ, थोड़ा चैट बॉक्स पे आओ, एंड हो रहा है दोस्तों वैसे भी। बताएं भाई, ग्रुप सक्सेस का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि मिस्टर ए जीते हैं, मिस्टर बी जीते हैं, बल्कि हमेशा ऐसा हो दिस ग्रुप, ग्रीन ग्रुप ये जीत गया फर्स्ट, ये स्टार परफॉर्मर्स हैं, रेड ग्रुप, ब्लू ग्रुप ये हाई परफॉर्मर्स हैं, इस तरह। कुछ पल्ले पड़ा, शाबाश। टास्क साथ मिलके करना है और मिलके अचीव होगा। जीतेंगे तो सब जीतेंगे, हारेंगे तो सब हारेंगे, इससे भी कोहिजन ज्यादा होती है कि चलो यार मिलके काम करना है। तो दोस्तों अब लास्ट थिंग फॉर द डे, इंट्रोडक्शन टू वर्क ग्रुप्स, टीम्स एंड टीम वर्क। दोस्तों ने बुक सामने रखी हुई क्या? हाँ भाई दोस्तों, बुक सामने रखी हुई क्या किसी के पास? क्योंकि अब बुक से कुछ चीजें कवर करानी होंगी। आई कंटिन्यू करें, बुक देखते जाएं। पहला सेक्शन पूरा बुक से होगा, उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें इससे करनी पड़े, तो हम बुक से डायरेक्ट कवर करेंगे। लेट मी जस्ट
ओके, वर्किंग इन ग्रुप्स 1.1 गौर कीजिए। सबसे पहले हेड क्या है, इंट्रोडक्शन टू वर्क ग्रुप्स। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन टू वर्क ग्रुप्स के अंदर 1.1 वर्किंग इन ग्रुप्स, ये लेक्चर के शुरू में हो चुका कि ऑर्गेनाइजेशन में आप सिंगल हैंडेड नहीं चलते, इदारे चलते ही ग्रुप्स की फॉर्म में है। लेकिन ये ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल, एक होते हैं इनफॉर्मल। आपने देखा होगा कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकर्स एक क्लास वाले स्मोकर्स एक जगह जमा हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, कोई लाइटर शेयर करता है, कोई सिगरेट शेयर करता है। सुनने वाली बात है, जरा सुनिएगा। इसी तरीके से चाय, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, चाय की बात ही अलग है। तो चाय पे जमा होने वाले लोग, वैसे चाय की तलब हो रही है मुझे खुद भी, आई थिंक आप लोग भी चाय पीते ही होंगे। तो चाय स्मोकर्स, ये जो एक गैदरिंग बनती है ना कि कंपनी में हम सब साथ हैं, लेकिन वो ढाबे की चाय पीने साथ जाते हैं, तो उसमें एक मैनेजर होता है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, एक जूनियर होता है। इन तीनों के लेवल्स अलग हैं, लेकिन एक बॉन्ड बन गया है, इस बॉन्ड को कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, हाँ भाई एक फरमाइश है, बिल्कुल यार, फ्राइज का भी अपना ही मजा होता है। बिल्कुल फ्राइज, बिल्कुल फ्राइज हो, और अच्छा हुआ भी किसी ने चिपॉटले और ये सब कुछ नहीं बोला, लेकिन फ्राइज, देसी फ्राइज। ठीक है जी, चले अगली बात। फॉर्मल वर्क ग्रुप कौन सा होता है दोस्तों? फॉर्मल वर्क ग्रुप पता है, जैसे आप गौर करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे टीम्स बनी हुई होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस की टीम है, ये है वो है, तो ये वर्क ग्रुप बन जाता है। फॉर्मल का मतलब होता है वर्क ग्रुप, ये वर्क ग्रुप बन जाता है। और वर्क ग्रुप का कॉन्सेप्ट दोस्तों ये होता है कि ये मिल के साथ टास्क परफॉर्म करते हैं, ये मिल के साथ टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सही, डन हो गई बात दोस्तों? ये जो मिलके साथ टास्क परफॉर्म करते हैं दोस्तों, ये फॉर्मल वर्क ग्रुप कहलाता है। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? देने दोस्तों बात इतनी मुश्किल तो नहीं है ये वाली बात। अगली बात देखें, पेज के एंड में आप देखें बुक में कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दिख रहा होगा, टिक कर लें इसको, पढ़ लें, ये लर्न हो जाएगा आसानी से, ये डिफरेंसेस पास पेपर के वक्त भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। फॉर्मल वर्क ग्रुप एंड इनफॉर्मल वर्क ग्रुप, इसको जरा प्लीज काइंडली ये कर लीजिए कि इसको लर्न कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए। अगली बात दोस्तों, फॉर्मल वर्क ग्रुप इनफॉर्मल वर्क ग्रुप के बाद दोस्तों हमारे सामने लिखा आता है कि टीम्स, एक हेडिंग आती है टीम्स। टीम्स अभी तक जो आपने आगे में सर टीम डेवलपमेंट, टीम फॉर्मेशन पढ़ी थी, तो इस पे ऑलरेडी आप लेक्चर सुन चुके हैं कि टीम्स बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और मैंने इसके अंदर प्रोजेक्ट टीम्स की आपको एग्जांपल दी थी कि प्रोजेक्ट टीम्स होती हैं जो डेवलप करते हैं, ये काम करने जाते हैं, जनवरी में काम शुरू करते हैं, जून में काम वाइंड अप कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये प्रोजेक्ट टीम्स हैं, अपने टाइम पे शुरू हुई, अपने टाइम पे खत्म हो गई। इसके ऊपर पास पेपर में क्वेश्चन है, इंशाल्लाह मंडे की क्लास में हमारे सामने आएगा। तो पास पेपर इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब हमें सवाल में आइडेंटिफाई करने को कहा जाएगा कि टीम्स, ये खाली ये बताएं कि
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये जो एग्जाम्पल दी हुई है ये किस चीज की एग्जाम्पल है, ये टीम है या वर्क ग्रुप है, ऐसा पूछा जाता है। सही है, ये ग्रुप है या टीम है, तो ये सवाल आया हुआ भी है और हमारे यहाँ बुक के अंदर स्ट्रेट टेक्स्ट में दिया हुआ भी है। तो दोस्तों टीम्स की बात के बाद, टीम के फौरन बाद इन्होंने प्रोजेक्ट टीम बताया हुआ है, फिर सक्सेसफुल वर्क टीम। अब प्रोजेक्ट टीम के बाद सक्सेसफुल वर्क टीम कौन सी होगी? सक्सेसफुल वर्क टीम दोस्तों वो होगी जो यूनिटी से चलेंगे, जिसकी लीडरशिप अच्छी होगी, जिसकी नीड्स आइडेंटिफाइड होंगी, जिनके पर्पस क्लियर होगा, जिनको आइडेंटिफाइड बजट दिया गया होगा, जिनके साथ रियलिस्टिकली टारगेट दिए गए होंगे, जिनको मोटिवेट किया जा रहा होगा। यानी ये मल्टीपर्पस पॉइंट्स जो मैं अक्सर कहता हूँ क्लास में के लेक्चर में कि मल्टीपर्पस पॉइंट्स अगर आप खुद भी लिख सकते हैं और इनको सिर्फ पढ़ना होता है, बाकी बात कोई मुश्किल इसमें नहीं होती। सक्सेसफुल वर्क टीम के बाद दोस्तों आखिरी हेडिंग आती है जिसके अंदर इंडिविजुअल एंड टीम अप्रोच एट वर्क 1.4। ये 1.4 की हेडिंग दोस्तों क्या कहती है, जरा इस पर गौर करें। 1.4 ये कहते हैं कि दो तरह की अप्रोचेज है काम के लिए। आपने टास्क करवाना है, ये टास्क है। आप ये कह सकते हैं कि इतना काम इतना काम इतना काम इतना काम इतना काम, ये काम ये काम ये काम ये काम, ये मिस्टर ए को दे दें, मिस बी को दे दें, मिस सी को दे दें, मिस्टर डी को दे दें, मिस्टर ई को दे दें, मिस्टर एम को दे दें, मिस्टर एस को दे दें, मिस्टर आर मिस्टर टी। आपने काम जो है ना बांट दिए, इसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। आपने काम बंदों को दे दिए जो बंदे अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसे क्या कहेंगे दोस्तों बताएं, इसे क्या कहेंगे बताएं प्लीज दोस्तों, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। इंडिविजुअल लोग अपना अपना काम करेंगे और जितना ये लोग अपना काम करेंगे, जितना अच्छे ये अलग अलग काम करेंगे, तो इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को जब जमा किया जाएगा तो इसका टोटल ग्रुप की परफॉर्मेंस कहलाएगा कि यार इन 10 ने ये काम किया, लेकिन काम इंडिविजुअली किया या मिलके किया? नहीं जी, इंडिविजुअली किया। तो इनका टोटल क्या कहलाएगा दोस्तों बताएं? ग्रुप परफॉर्मेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। अब जो मैं कलर चेंज करके लिखूंगा ना, ये दोस्तों होगा टीम अप्रोच। ठीक है, यहां पर ये अकेले काम कर रहे थे, अभी तक ये लोग कैसे काम कर रहे थे बताओ? अकेले, देखो मेरे साथ हो ना दोस्तों, आखिरी बात चल रही है, बिल्कुल एंडिंग बात। ये अकेले काम कर रहे थे इंडिविजुअली। अब अगर इन्हें बोला जाए आप ए बी आपस में कोऑर्डिनेट करें, मिलके चलें, कनेक्शंस बना के चलें, और ये इनसे कनेक्ट हो जाए, ये इनसे कनेक्ट हो जाए, ये फिर इनसे भी हो, इन कनेक्शन इनसे भी हो, इन कनेक्शन इनसे भी हो, और ये इनसे भी कनेक्ट हो, ये इनसे भी कनेक्ट हो, ये कलेक्टिवली काम करना कहलाता है टीम अप्रोच। इस येलो वाले को बोलते हैं टीम अप्रोच। इसके अंदर जैसे बरकत या सिनर्जी कह लें हम, इसको बोलते हैं टीम अप्रोच। तो कह रहे हैं काम कराने के कितने तरीके हो सकते हैं दोस्तों बताएं? काम करवाने के कितने तरीके हो सकते हैं दोस्तों? दो। एक तरीका क्या होगा बताएं प्लीज, कि मैं सबको अलग अलग टास्क देके चला जाऊं, बस नाम की वो टीम है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और एक ये कि हम मिलके काम करवाएं। तो ये दोनों अप्रोचेस हैं और दोनों अप्रोचेस के काम किए जाते हैं। कुछ जगह पे इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअल बेस्ड टारगेट दिया जाता है, वहां पर दूसरी येलो वाली अप्रोच है, ये टीम अप्रोच है, और इसका फायदा ये होता है कि पूरी ये एज अ टीम काम करते हैं। तो दोस्तों हमने क्या कुछ पढ़ लिया, हमने ये चैप्टर की समरी जैसे आपके सामने आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप कहते हैं एक दफा फिर मैं खाली हाईलाइट कर देता हूं कि वो कौन सी चीजें हैं जो लर्न करनी है, कर दो हाईलाइट, बताओ दोस्तों आपको याद रहे कि इस चैप्टर में लर्न क्या करना है? सब साथ हैं, स्टार्ट।
देखें ये जगह और ये जगह, यानी टकमेन आसान, टकमेन के अंदर जो आपने देखी थी चीज, तो यहां से बताता हूँ दोस्तों, जो लर्निंग की है ना उसके पूरे पूरे स्क्रीनशॉट ले लें, आ जाए मेरे साथ। लर्न करना है, आइडियाज ऑफ वेलबीइंग को लर्न करना है। आइडियाज ऑफ बेल्जियम और बेल्जियम के आइडियाज क्या है दोस्तों, बताएं। 19 रोल्स, 19 रोल्स के बाद टीम फॉर्मेशन, बाय टकमेन, एक याद करना है, दो याद करना है, ठीक है? पढ़ा रहा हूँ, छोड़े। तीसरी बात, वैल्यू ऑफ टकमेंस एनालिसिस था, तीन बातें। लर्न करना है। चौथी बात दोस्तों, बैलेंस थियोरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन आप पढ़ चुके, सिमिलर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। बैलेंस थियोरी के बाद दोस्तों ये चार बहुत अहम थे जिनको एज इट इज याद करना था। इसके अलावा टीम इवैल्यूएशन, 3 E's, थ्री इज, इसके अलावा दोस्तों ग्रुप कोहेजन एंड डायनामिक्स। ये हो गया दोस्तों, इसके अलावा रेस्ट ऑल रेस्ट ऑफ ऑल क्या करना है बताया उन्हें, सॉलिड लीडिंग कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए दोस्तों, बात याद रहेगी इंशाल्लाह। मैंने इसकी पिक्चर ले लीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं।